हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रीमा सुधीर। और आज मैं आप लोग से 5 से लेकर 8 बजे तक का रूटीन आप लोग से मैं शेयर करने वाली हूँ। इस बीच में मैं क्या क्या करती हूँ तो सोचिए, मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीछे का आप लोग देख सकते हैं, खिड़की बंद है तो बारिश बहुत तेज़ आई थी दिन में, तो उधर से पूरा पानी आ रहा था, इसलिए मैं खिड़की को बंद रखी हूँ। और अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन मौसम अभी ठीक है। तो आज आप लोग देख सकते हैं कि मैं फाइनली चोटी की हूँ। ऐसे मैं चोटी नहीं करती हूँ, गर्मी में मन नहीं करता चोटी करने का। तो आज मौसम ठीक था तो माँ जी गुस्सा होने लगती हैं, बोलती हैं कि हेयर को बस ऐसे ही रखती हैं। कभी कभी क्या होता है कि इतना गर्मी रहता है कि 2-2 दिन हो जाता है हेयर को कंघी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज मैं चोटी की हूँ। और चोटी कीजिए तो सबसे ज़्यादा माँ जी को बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती हैं कि नहीं, चोटी करके रखिए, अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन गर्मी से मन नहीं करता करने के लिए। लेकिन आज मैं बना ली हूँ चोटी और अब मैं जा रही हूँ। शाम का तो सब कुछ आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि शाम को मैं क्या क्या की। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में जो भी थोड़ा बहुत काम है कर लेती हूँ, उसके बाद रात के खाने की तैयारी करूँगी। तो आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ उसका रेसिपी मैं आप लोग से भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिएगा और प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए और एक कमेंट कर दिया कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और पहले तो दूध उबालूंगी क्योंकि अभी तो गर्मी का टाइम रहता है तो फटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इस पे का पहले छाली में निकाल लेती हूँ। तो मैं इसी तरीके से छाली निकालती हूँ, बहुत इजीली निकल जाता है। और कोई चीज़ों से निकालिए तो नहीं निकलता है अच्छे से, थोड़ा बहुत रह ही जाता है। और इस तरीके से निकालती हूँ इससे तो आसानी से निकल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे रखती हूँ चाय। तो चाय बन के रेडी हो गया है, अभी से मैं छान लेती हूँ। तो आज हमारे यहाँ चाय और नमकीन है जो उस दिन बनाई थी, इसे डिब्बे में बंद करके रखी थी, तो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, बहुत टेस्टी लग रहा है अभी भी। और उसके बाद माँ जी से थोड़ा बहुत बातें करने लगी चाय पीने के बाद। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग सास बहू का जोड़ी। और उसके बाद इनका हेयर कंघी की, क्योंकि इनके हाथों से नहीं हो पा रहा है, इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें तो करना भी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई। दूध का कुछ हिसाब था तो माँ जी बोली कि आप कर दीजिए, जैसे मैं आप लोगों को बताई कि उनका तबीयत नहीं ठीक रह रहा है, तो ये सब चीज़ें मुझे ही देखनी पड़ रही, नहीं तो वो अपना कर लेती हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा देखने लगी किसका किसका गया है, मतलब कितना हिसाब है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, नहीं तो इतना ज़्यादा है ना उल्टा फुल्टा हो जाता है, तो ये सब चीज़ इसमें लिख के रखना पड़ता है। तो वही मैं देख ले रही हूँ और फिर इसका हिसाब कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और जो भी बर्तन थे सबको अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, धो के जो रखी थी सबको सेट कर दे रही हूँ। उसके बाद लगूँगी रात के खाने की तैयारी में। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ आटा और ये मैं चीनी को भिगा दी थी और ये चीनी फूल गया है। अब ये सबको अच्छे से मिक्स करूँगी तो मैं बनाने जा रही हूँ ठेकुआ। तो हाँ, ये मेरे घर में काफ़ी पसंद करते हैं लोग, सबको बहुत पसंद आता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं सोची कि यही बनाती हूँ, तो बिहार का तो फेमस है ठेकुआ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। वैसे मेरी माँ जी बहुत अच्छा बनाती हैं लेकिन अभी उनका तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं खुद ही बना रही हूँ। उनसे पूछी कि किस तरीके से आप बनाती हैं, ऐसे मैं देखी भी हूँ कैसे बनाती हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ सौंफ। अब इसको, ये जो चीनी है ना, इसको अच्छे से इसमें डाल के अच्छे से भून लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए कैसे किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो आटा को मैं गूंद ली हूँ, अब मैं इसका लोइया बना ले रही हूँ, उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे रिफाइन भी इसमें डाल दी हूँ गर्म होने के लिए और
थोड़ी देर अच्छे से गर्म होगा तब तक मैं लोइया बनाकर बेल ले रही हूँ। इतना साइज का लोइया लेना है तो आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से। अब मैं इसे बेल ले रही हूँ। इसको मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा गीला भी, ये चीनी से खुद ही थोड़ा सा गीला जैसा हो जाता है लेकिन बेलने में बहुत ईजी रहता है। तो अब इसको मैं बेल ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जलेली बना ले रही हूँ। सब्जी मैं पहले ही बना ली थी तो सोयाबीन आलू का सब्जी बनाई थी तो उसका रेसिपी मैं नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पे मैं जलेली इसको बना ले रही हूँ। ये हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं, ऐसे में तो मीठा मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ठेकुआ तो सबको पसंद है तो वही चीज़ें मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे सर्दी हो गया है, गला बैठ गया है तो आप लोग आवाज़ समझ ही जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जलेबी बना ले रही हूँ मैं। आज मौसम ठीक है इसलिए मैं सोची कि यही बनाती हूँ और काफ़ी दिन हो भी गए थे तो आप देख सकते हैं अच्छे से बन गया है, फूल जाता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसमें कोई सोडा, तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से मैं सबको बना लूँगी। सोडा भी डाल के बना और फिर से मैं डाल दी हूँ इसमें, लेकिन मैं ऐसे ही बना अच्छे से आटा के बनाई ना तो बहुत अच्छा से बनता है, फूलता भी है और नरम रहता है, टेस्ट भी रहता है। मुझे बन के रेडी हो गया है और इसी तरीके से मुझे खाता है उससे बना ली हूँ। तीन तीन करके डाली हूँ, जल्दी भी बन जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गया है और काफ़ी बन के रेडी हो गया है ठेकुआ। उसके बाद दूध जो था उसको मैं दही जमाऊंगी तो इसमें डाल दी हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ क्योंकि काफ़ी गर्म है तो इस जाली से ढक दी हूँ, ठंडा थोड़ा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे इसमें दही डाल दूँगी। तो ठेकुआ बन के रेडी हो गया है और दूध भी ठंडा हो गया तो इसमें दही ऐड कर दी और इसे अच्छे से ढक देती हूँ। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग